सो गाइस, ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का ट्रेलर हम सबके सामने आ चुका है। एंड इसका 3 या 4 महीने पहले कुछ तो एक टीज़र ड्रॉप हुआ था जो कि काफ़ी सही लगा था और ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया था। तो आज चलो इसका ट्रेलर रिएक्शन करेंगे, और सबसे पहले चलो रिएक्शन ही कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। सैकड़ों सालों से हम जैसे पृथ्वी पर छिप कर रह रहे हैं, पर बुराई ने हमें फिर ढूंढ निकाला। प्राइम, ये ब्रह्मांड की हर जिंदगी का सवाल है। यूनिक्रॉन आ रहा है। यूनिक्रॉन? सीरियसली? गाड़ी रुक नहीं रही है। देखो, मैं मार दूंगा। मुझे लगा हम दोस्त हैं। इंसान को यहाँ ले आए? मैं कोई नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मेरी आंखें तो एकदम बंद हैं। ये हमारी लड़ाई नहीं है। ऑप्टिमस, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी जिंदा रहने के लिए। वैसे बंदा कितना बड़ा होगा? वो प्लैनेट से निकलता है, तो मतलब वो एक प्लैनेट से बड़ा ही होगा। ओह भाई, आखिर में जिन जिन की तुम्हें परवाह है सारे खत्म हो जाएंगे। कमल भी था क्या वो? शायद पृथ्वी को बचाने का कोई और तरीका हो। तुम्हारा कभी ऐसे किसी से सामना नहीं हुआ होगा। हम तैयार हैं। वो भाई, अबे सेट पीस तो सही लग रहे हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट। भाई देखो, ट्रेलर तो सही लग रहा है, लेकिन यूनिकॉर्न को अपनी पहली पिक्चर में दिखाना सही रहेगा क्या? क्योंकि ये लोग शॉर्ट ऑफ रिबूट दे रहे हैं, एंड यूनिकॉर्न ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स में मतलब बहुत बड़ा विलेन। एंड सिंस मैं अपना ओपिनियन बात करूँ, देखो ट्रेलर तो मुझे पसंद आया, पर हिंदी डबिंग में मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि हिंदी डबिंग ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की नेक्स्ट लेवल पे है ऑलरेडी। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, एक जो एनिमेटेड सीरीज़ आती थी ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की, वो बहुत लेजिट सीरीज़ थी। उसके अंदर की हिंदी डबिंग जस्ट परफेक्ट थी, परफेक्ट से भी ऊपर। तो अपन ट्रांसफॉर्मर्स, जो ट्रांसफॉर्मर्स की ऑडियंस है, उसके लिए वो चीज़ को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। तो ये हिंदी डबिंग ऑब्वियसली जो पुराने फैंस हैं उनको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि उस सीरीज़ के अंदर वो जो पूरी डबिंग की गई थी ऑप्टिमस प्राइम की खासकर, वो बहुत तगड़ी लगती है और एकदम फिट बैठती है प्राइम के कैरेक्टर के ऊपर। अगर ऑल स्पार्क को वापस नहीं लौटाया गया तो साइबरट्रॉन पर आने वाली नई पीढ़ियां कभी आबाद नहीं हो पाएंगी। मैं यहां एक जिंदगी इसलिए बचाने नहीं आया था कि दूसरी गंवा दूं जिसकी मैं परवाह करता हूं। माना कि इसके बाद प्राइम्स का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा, लेकिन लीडरशिप मैट्रिक्स के साथ और उसके बिना भी हासिल की जा सकती है, और मेरी नजर में तुम सब ने एक प्राइम का फर्ज निभाया है। कभी ऐसे अच्छे बॉट्स मिले ही नहीं जिनसे कुछ सीखूं। देखो, मैं यही कहूंगा कि अभी के लिए ट्रेलर बहुत पसंद आया है, अब यही मैटर करेगा कि ये लोग पुल आउट कैसे करेंगे अपने पूरी मूवी को। देखो, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ और मैं तो मूवी देखने जाऊँगा, मुझे तो ट्रेलर बहुत सही लगा। तो अपने ओपिनियन कमेंट्स में बता देना, और अगर तुम ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के ऊपर और भी डिटेल्ड वीडियोस चाहते हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं बना दूंगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम मेरे दिल में रहता है। एक्चुअली मैं बचपन में बहुत इसके कार्टून्स देखा करता था, ऑलमोस्ट सारी सीरीज़ देख रखी है मैंने, ट्रांसफॉर्मर्स अर्माडा देख रखी है, रेस्क्यू बॉट्स देख रखे हैं, ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम और उसकी जो सीजन 2 बीस्ट हंटर्स वाले आए थे वो भी देख रखा है। तो एकदम डाई हार्ड फैन हूँ, मतलब बचपन से देख रहा हूँ। एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही, और अगर तुम इस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना ज़रूर, क्योंकि मैं तो एक्साइटेड हूँ भाई। तो मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।